के बारे में जानकारी जो उपस्थित होगी वो अपने ध्यान में रखेंगे और हमें कई चीजों को पता नहीं। हमारे बीच में अच्छा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता ठीक है छोटा ताले और स्वागत अभिनंदन किया जाए। नमस्कार, देवली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 78 अस्थल मंदिर एल ब्लॉक एल फर्स्ट, इसमें आज हमारे खटीक समाज का एक भव्य सभा का आयोजन रखा गया जिसके संयोजक श्री गंभीर सिंह जी राजोरा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नेत्राम जी ठगेला साहब और प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र जी खितोलिया साहब। हम जानना चाहते हैं आज इनसे, हमारे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं, राजेंद्र रजोरा साहब हैं, आज जो आपके खटीक समाज का हम बार बार नमन करते हैं, समाज को हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। खटीक समाज का ये जो आपने जो बैठक करी है इसका क्या उद्देश्य रहा? आज की बैठक का उद्देश्य यह है कि हम हर साल जो अचीवर्स होते हैं किसी भी क्षेत्र में उनका सम्मान करते हैं, तो उस सम्मान के कार्यक्रम नॉर्मली सेंट्रल दिल्ली के किसी बड़े हाल में होता है। आज उसके लिए चिंतन करने के लिए भी उस प्रोग्राम कैसे करना है ये बैठक बुलाई गई थी। बहुत अच्छा, एक प्रोत्साहित जो कोई भी एक्टिविटीज में या कोई भी बच्चा किसी सिलेक्शन होता है या कोई भी प्रतिभा जो प्राप्त करता है और उनको प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने एक ने अपने समाज में एक मुहिम पैदा कर रखी है जो पूरे पूरे दिल्ली में ही करते हैं या ऑल इंडिया? ऑल इंडिया में, हम बाकी प्रदेशों में राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में और बाकी प्रदेशों में ये कर चुके हैं। वहाँ आपने अलग पदाधिकारी दे रखे हैं, हर प्रदेश की अलग अलग जिम्मेवारी। बहुत अच्छा राजेंद्र जी, आप दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका सर बहुत, मैं जैसे अभी सुन रहा था, बहुत बड़ा अनुभव है आपका, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जैसे आपके साथ नवयुवक भी हैं, नए भी जुड़ना चाह रहे हैं समाज में? समाज, ये मैं भी जानता हूँ कि समाज एक सबसे सर्वोपरि आदमी का, मानव का जीवन में समाज महत्व रखता है। सर देखिए, आज की तारीख में, पहले जब हम मीटिंग लेते थे तो उस टाइम पे क्या था कि कम लोग हुआ करते थे जी, बड़ी मुश्किल से फोन भी नहीं हुआ करते थे, तो आज व्हाट्सएप और पेपर के माध्यम से हम इतना जो है बड़ा संगठन लेके चल रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और बेंगलोर, पूरे ऑल इंडिया में हमारा जो है पूरा संगठन फैला हुआ है। हर संगठन बहुत मजबूती और बहुत अच्छे ढंग से बहुत कार्य कर रहा है। साहब कह रहे थे अभी नेत्राम जी ठगेला साहब, मुझे जहां तक जानकारी है आप बहुत ऊंचे होदे पर सरकारी सेवा में सेवार थे और आपने एक समाज की एक दशा देखते हुए समाज की सेवा करने का जुनून होते हुए और आपने अपने पद का सेवानिवृत्ति आपने स्वेच्छा से ली? नहीं, मैंने पूरी सर्विस करके ही उसे लिए। मैं अपने सेवा के दौरान ही सारी मीटिंग लेता था, हर शुक्रवार को घर से बैग लेके जाता था और वहीं से शाम को छुट्टी के बाद दिल्ली से बाहर चला जाता था, मंडे को सीधा ऑफिस आता था, तो हफ्ते में दो दिन पूरी तरह से हमेशा ही मैं दिल्ली से बाहर रहा। दो दिन समाज के लिए, सात दिन में दो दिन समाज के लिए देते थे और ऐसे समाज सेवकों को बार बार नमन करते हैं। रजोरा जी, आप यहाँ के संयोजक हैं संगम बिहार के और संगम बिहार में मैं भी बहुत सारे समाज के, खटीक समाज के लोगों से परिचित हूँ, आप क्या इन लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा मानना यह है कि जो आज खटीक समाज में जो जागरूकता आई है जी, ये सिर्फ और हमारे जो ना नेत्राम ठगेला जी जो काम किया है और कई वर्षों से करते आ रहे, हमने तो नाम सुना था इनका, हमने तो देखा भी नहीं था। और अगली साल जब मेरे पास में एक सूचना मिली कि एक ऐसा प्रोग्राम किया जा रहा है जहां प्रतिभा बच्चों को जो सम्मान दिया गया है, तो रजोरा जी आप भी आए। मैं जी, मुझे कौन सा प्रतिभा, मैंने तो कुछ नहीं किया है। तो बोले जी, आपके बेटे ने जो है ऐसा ही जो है बच्चा भर्ती हुआ है और आपको सम्मानित किया, जब बड़ी खुशी हुई। तो उस समय मैं वहां गया था, ऑल इंडिया के खटीक समाज के लोग जी वहां उपस्थित है और बड़ा हॉल था, नाम क्या था रजोरा जी? जी, तो उसके अंदर प्रोग्राम किया गया, तो मैं तो देखते रह गया कि आज हमारे खटीक समाज को जगाने का ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी भलाई का काम है और जागरूकता आ रही है। खटीक समाज के लोग एक तो बहुत
अपनी जो दुष्प्रभाव को छोड़ते जा रहे हैं और अच्छी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं और विकास हो रहा है हमारे क्षेत्र के अंदर। हमारे खटी समाज के बच्चे आई है सब पर और मेरे परिवार में ही मेरे समाज में ही एक मजिस्ट्रेट है एक सब इंस्पेक्टर है। तो अब ऐसे ही निर्णय कितने लोगों का भविष्य बन रहा है तो इनकी शिक्षा पे हम चलते रहेंगे बाबा साहब की बातें मानते रहेंगे तो आने वाला समय हमारा भी होगा और हम अच्छे पदों पर भी पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सर क्या नाम है आपका? विनोद राजोरा। विनोद जी आप किस प्रकार से सोचते हैं समाज के बारे में? समाज के बारे में सबसे पहले है कि शिक्षा बहुत जरूरी है जो हम काफी इतिहास में भी हमारे हम लोग बहुत पीछे रहे हैं लेकिन जैसे ठगेला साहब ने काफी आंदोलन बहुत बड़ा ऑल इंडिया लेवल पर जिन्होंने आंदोलन छेड़ा है तो ये हम लोगों को भी एक अच्छा इम्प्रेशन मिल रहा है इसी से और जिससे हम लोग खुद सीख रहे हैं बच्चों को भी यही प्रोत्साहित करते हैं भाई शिक्षा का ध्यान दें और अब आगे अच्छे अपने जल भविष्य के लिए अच्छा करें। अच्छा अच्छा आप ये हमारे युवा साथी हैं एल ब्लॉक संगम बिहार से आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस मुहिम को जो ठगेला साहब द्वारा है और सभी सम्मानित लोग हैं हमारे यहाँ किस प्रकार से आप संबोधित करें? मैं इन सबको या जो हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं मैं सभी को इस तरह की जो हमारे बाबा साहब हैं जो जाते हैं भीमराव अम्बेडकर उनकी नीतियाँ उनकी नीतियों को अपनाइए उनके विचारों को ग्रहण कीजिए। वो शिक्षित हैं तो आप शिक्षित हो तो उनकी नीतियों पर चलिए। जिस तरह हमारे ठगेला जी ने बताया है हमारे गंभीर सिंह राजौरा जी ने हमारे खेतौलिया साहब जी ने बताया है कि भीमराव अंबेडकर जी ने उन्होंने हमारे देश में दलितों के लिए जो कुछ किया है ना वो हम आज जो भी आज ठगेला जी भी अगर जो डिफेंस में डायरेक्टर थे तो वो भी एक भीमराव अंबेडकर की नीति उनके विचारों के हिसाब से वो वहां पहुंचे। इसलिए मैं अपने समाज के सभी छोटे बड़े जो भी है अपने सबसे कि अपने बच्चों को और खुद बाबा राम भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पे चलिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जैसे युवाओं के लिए ही ये समाज बना और युवा की मेन भूमिका हमारा संगठन काफी समय से काम कर रहा है 30-40 सालों से। मेरा नाम दीपक ठगेला है और मैं ए ब्लॉक में संगम बिहार में रहता हूँ। हमारा जो समाज है पिछले 30-40 सालों से जो अपेक्षा का शिकार हो रहा था पिछड़ेपन का जो शिकार हो रहा था उसको कैसे आगे लाया जाए कैसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष और हमारे इस क्षेत्र के होनहार विधायक प्रतिनिधि के तौर पर अगर हम उन्हें देखते हैं या हमें उन मानते हैं कि हमारे आगामी विधायक ये हैं गंभीर राजौरा जी उनके लिए हमारे अध्यक्ष जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से एक हमारी अपील है। अभी चौहान साहब की बात थी जो मिनिस्टर थे दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में तो मैं ये चाहूंगा उनको जैसे आगे बढ़ाया ऐसे हमारे क्षेत्र से गंभीर राजौरा जी जैसे एक होना जो समाज के लिए तत्पर लगे रहने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर टिकट का वितरण हो सके उनके लिए टिकट मांगे जाए। हम अगर कोशिश करेंगे ऐसी बात नहीं कि टिकट नहीं मिलेगा पार्टी हमारी सुनेगी अगर हम संगठन अपना दिखाएंगे तभी तो बल दिखाएंगे। अभी तो उसमें धन की जरूरत नहीं है धन की आवश्यकता नहीं है उसमें जरूरत है तो सिर्फ धन की जरूरत है। अगर हम उनके साथ मन से खड़े हो जाएंगे तो इस बार देवली विधानसभा से हमारे आगामी विधायक गंभीर राजौरा जी टिकट पक्का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। We'll be right back.